हेलो एंड वेलकम टू द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज एनालिसिस। तो आज की डेट है 11th अक्टूबर ऑफ 2019 और यहाँ हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से आर्टिकल्स है जो आज हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। उससे पहले उन क्वेश्चंस की बात करते हैं जो मैंने आपसे पिछले वीडियो में पूछे थे। पहला क्वेश्चन है कि बताइए इसराइल की कैपिटल और करेंसी क्या है। तो जैसा कि आप ये मैप पे देख सकते हैं, इसकी कैपिटल है जेरूसलम। अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो है इसराइली न्यू शकील। आसपास की कंट्रीज भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लेबनन है, यहाँ पे सीरिया है, जॉर्डन है और इजिप्ट है। अगर आप बात करते हैं इसराइल रिसेंटली न्यूज में क्यों है, आपको बताओ कि टर्की ने सीरिया पे अटैक किया है, वो भी उन जगहों पे जहाँ पे कुर्दिश यहाँ पे रहते थे। अब यहाँ पे नेतान्याहू बेंजामिन ने कुर्दिश की तरफ सपोर्ट करते हुए यही बोला है कि वो किसी भी तरीके की जो एथनिक क्लींजिंग की जा रही है उसके खिलाफ है। तो बेसिकली इन्होंने एंटी टर्की स्टांस लिया हुआ है। अगर आपको याद होगा पिछले साल जो है जब यहाँ पे जमाल खशोगी की यहाँ पे असासिनेशन हुई थी, तब भी जो है यहाँ पे टर्की ने कंप्लीटली यहाँ पे जो है एमबीएस पे इंजाम लगा दिया गया था। तब जो है एक अननोन राइवलरी बिटवीन टर्की और यहाँ पे जो है सऊदी देखने को मिला था। अब उसी तरीके से यहाँ पे हो सकता है फ्यूचर में जो है टर्की वर्सेज इसराइल वाली राइवलरी भी देखने को मिल सकती है फ्यूचर में। अगला क्वेश्चन है कि बताइए बकरा डैम जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको बेसिकली नजर आएगा हिमाचल प्रदेश में। अब चलते हैं यहाँ पे एडिटोरियल पेज पे। एडिटोरियल पेज पे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे पहला आर्टिकल यहाँ पे इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। जो इनफॉर्मल समिट यहाँ पे हुई है ममलापुरम में, तो उसके बारे में डिटेल डिस्कस की जा रही है। तो ये नेक्स्ट पेज पे ये वाला आर्टिकल और सेंटर में ये जो आर्टिकल है, तीनों जो है यहाँ पे इंडिया चाइना के रिलेशनशिप के बारे में आया, और इनफॉर्मल समिट जो रिसेंटली हुई है तो उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे जो भी यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। नीचे ये वाला आर्टिकल लॉफुल इंटरसेप्शन से रिलेटेड आया हुआ है। इससे रिलेटेड हमने एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल रिसेंटली डिस्कस किया था। अब यहाँ पे हम समझेंगे किस तरीके से यहाँ पे व्हाट्सएप फेसबुक पे यहाँ पे जो डेटा है, क्या ये जो डेटा है क्या ये गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है इन सारे मैसेजेस को, क्या ये टेक्निकली फीजिबल है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे इस आर्टिकल में। अब यहाँ पे इसका कंटेक्स्ट ये है कि ट्राई ने यहाँ पे रिसेंटली कोशिश की है, यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे समझेंगे। सेंटर में ये वाला जो आर्टिकल आया बेसिकली एससी एसटी एक्ट से रिलेटेड है। आपको पता है पिछले साल यहाँ पे जो है डाइल्यूशन किया गया था इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत, लेकिन उसे फिर से रिवर्ट बैक किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिसेंटली। अब उसी के बारे में फिर से हम यहाँ पर रिवाइज करेंगे। उसके अलावा क्यों ये एक्ट इंपॉर्टेंट है उसको भी हम जानेंगे इस आर्टिकल में। सेंटर वाला आर्टिकल फिर से यहाँ पे महात्मा गांधी जी की फिलॉसफीज के बारे में आया हुआ है। तो इस बार का जो आर्टिकल है वो बेसिकली मॉरल लीडरशिप के बारे में बताता है। यहाँ पे इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल्थी है, आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, तो आप जो है उसका काफ़ी अच्छे इस्तेमाल कर सकते हैं कम्युनिटी बिल्डिंग में। और अगर मान लीजिए जो प्रॉब्लम्स है कम्युनिटी में उसको सॉल्व करने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्लियरली समझें कि मॉरल लीडरशिप का मतलब होता क्या है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए जा रहे हैं जो ऑथर ने अपनी लाइफ से खुद दिए हुए हैं, तो उसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। नीचे ये वाला आर्टिकल बताया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, अलग अलग यहाँ पे बॉडीज इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में बोला जा रहा है टू मेनी कुक्स के, यहाँ पे जैसे कहते हैं स्पॉइल्स द ब्रोथ, उसी तरीके से इतनी सारी अपेक्स बॉडीज बनाओगे तो यहाँ पे जो है जो असली चीज अचीव करना चाहते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब उसे हैंडल करने के लिए ये जो टू मेनी कुक्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम जानेंगे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि हर वीडियो में हम डिस्कस करते हैं पर्टिकुलर कंट्री को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो कॉन्टिनेंट वाइज हम जा रहे हैं तो एशिया में अगला कंट्री बेसिकली ब्रुनई है। पिछले वीडियो में हमने भूटान को डिस्कस किया था। ब्रुनई की लोकेशन आप देख सकते हैं, अगर इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो है बेसिकली बंदर सरी बेगवान, और अगर इसकी करेंसी की बात करते हैं तो है ब्रुनई डॉलर। अब यहाँ पे अगर इंडिया और ब्रुनई के रिलेशन की बात करते हैं, तो इसी साल फरवरी में हमने एक पैक्ट को साइन किया था। ये बेसिकली टैक्सेस से रिलेटेड है, यहाँ पे जो टैक्स इवेजन और जो अवॉइडेंस के केसेस है उसे रिड्यूस करने के लिए बेसिकली हमने एक पैक्ट को साइन किया था फरवरी के मंथ में था। ये काफी इंपॉर्टेंट जो है पैक्ट था जो साइन हुआ था इस साल। अब चलते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहले आर्टिकल में बताया जा रहा है किस तरीके से जो है हमें बियॉन्ड वुहान समिट दो यहाँ पे सोचना पड़ेगा। ऑब्वियस ही बात है, जो पहला इनफॉर्मल समिट हुआ था इंडिया चाइना के बीच में वुहान समिट था, लेकिन अभी जो है वुहान समिट के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई है, काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में चेंजेस हुए हैं। अब उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कौन कौन से चीज़ें जो हम यहाँ पे कर सकते हैं, भले ही वो छोटे स्टेप्स क्यों ना हो, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे फोकस करने वाले हैं।
कंटेक्स्ट जान लेते हैं। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो चाइना के प्रेसिडेंट है जाई जिपिंग, ये एक्चुअली विजिट करने वाले ममलापुरम में, जो कि आउटस्कर्ट्स आपको नजर आएगा चेन्नई में। अब ये बेसिकली सेकेंड इनफॉर्मल समिट है, इससे पहले जो है 2018 यानी कि पिछले साल समिट हुआ था वुहान में। वुहान बेसिकली आपको सेंट्रल चाइना में नजर आएगा। अब बात करते हैं जाई जिपिंग जो कि प्रेसिडेंट है, ये बेसिकली 24 आवर्स के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं इंडिया में। अब यहाँ पे आप जानते हैं कि चाइना में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त। हांगकांग में वायलेंस बढ़ गया है, प्रोटेस्ट हो रहा है, उसके अलावा यूएस के साथ उनका ट्रेड वॉर चल रहा है, और उसके अलावा जो है चाइनीज इकोनॉमी भी यहाँ पे फॉल हो रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे उन्हें अभी हैंडल करनी है, इसी वजह से उनके पास इतना ज्यादा टाइम इस वक्त नहीं है इस पर्ले समिट के लिए। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस पूरे समिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने वाली है, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर की। पिछली बार जब वुहान समिट हुआ था उससे ठीक पहले जो यहाँ पे डोकलाम का इशू हुआ था और बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट्स थे, तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे CBM यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जो है उसे अपग्रेड करना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये कुछ नेगोशिएशंस होते हैं, कुछ यहाँ पे चीज़ों को वो अग्री करते हैं, कुछ चीज़ों पे हम अग्री करते हैं, तो ये इसलिए CBM का यहाँ पे पार्ट होता है। तो अब उसे अपग्रेड करने की जरूरत है क्योंकि हमारे यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड यहाँ पे जो डेफिशिएंट देखने को मिल रहा है उसको भी किस तरीके से हैंडल करना है। बिजली जो कश्मीर का इशू है वो बिजली आउट ऑफ यहाँ पे इस समिट के रखा गया है। अब बात करते हैं कि इस टाइम पे इनफॉर्मल समिट क्यों किया जा रहा है। अब यहाँ पे यूजुअली इनफॉर्मल समिट तब किया जाता है जब आपको ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज करनी है। पिछले साल वुहान समिट किया गया था, उस टाइम पे डोकलाम का इशू काफी इंपॉर्टेंट था, वोलेटाइल था, तो इसीलिए तब जो है ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज की जरूरत पड़ गई थी। और उसी मीटिंग में यह भी बोला गया था कि आने वाले फ्यूचर में जो है ऐसी और मीटिंग्स करवानी है, तो वो भी वहां पे डिस्कस किया गया था ताकि हायर लेवल पे भी जो है स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन होती रहे, तो इसी वजह से रिकमेंड किया गया था इनफॉर्मल समिट्स को। अब बात करते हैं वुहान समिट जो कि पिछले साल हुआ था उसके बाद जो है इंडिया चाइना के रिलेशन किस तरीके से और किस हद तक चेंज हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वुहान समिट में सबसे इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन जो है अफगानिस्तान के बारे में दिया गया था कि इंडिया और चाइना दोनों मिलकर जो है एफर्ट करेगा ताकि अफगानिस्तान में जो है पीस बनाई जा सके। अब उसको उस पूरे समिट को एक साल कंप्लीट हो गया है, हमने देखा कि अफगानिस्तान में सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई है, यूएस ने डिसाइड किया कि वो बाहर आना चाहता है अफगानिस्तान से। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे अभी भी जो है यहाँ पे सरकार है उनको ज़्यादा कुछ पावर है नहीं, तालिबान का कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा है, और उसी के साथ पाकिस्तान का रोल भी काफ़ी प्रोमिनेंट हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम अफगानिस्तान के लिए जो हमने डिसीजन लिया था, जो हमने बातें की थी वुहान समिट में, वो हम अचीव नहीं कर पाए हैं। उसी के साथ अगर हम बात करते हैं चाइना और यूएस के जो रिलेशनशिप है इकोनॉमी से रिलेटेड, वो काफ़ी डिट्रॉयट हो गए हैं वुहान समिट के बाद। ऑब्वियसली बात है यहाँ पे नए एक्सिस बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चाइना और रशिया का जो एक्सिस है वो थोड़ा सा वीकन होता गया है, लेकिन इंडिया रशिया के टाइज काफ़ी अच्छे हुए हैं। उसी के साथ हम जानते हैं क्वाड के बारे में, और उसके अलावा रशिया, इंडिया, जापान, ये लोग भी जो यहाँ पे सिनर्जी में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में, तो ये तो उनका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, लेकिन इंडिया जो है इसके रिलेटेड काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का पार्ट जो CPEC है वो यहाँ पे इंडिया की सॉवरेंटी को हर्ट करता है, तो इसी वजह से जो है हम BRI के कुछ खास मतलब प्रमोटर नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं चाइना की डोमेस्टिक सिचुएशन इस वक्त क्या है, जैसा कि हमने बार बार यहाँ पे वर्ल्ड न्यूज़ में देखा है कि हांगकांग में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो जो यहाँ पे नया बिल लेकर आए थे जिससे ऑब्वियसली बात है वो लोग खुश नहीं थे, तो इसी वजह से वो यहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए, अब वो काफ़ी वॉलेटाइल रूप ले चुका है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं 2018 के अर्ली से ही जो है उनकी इकोनॉमी काफ़ी फ्रेगाइल, काफ़ी वीक नज़र आ रही थी, अब यहाँ पे वो और वीक हो गए क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हो रहा है, ट्रेड वॉर भी कर रहे हैं यूएस के साथ, तो इसी वजह से उनकी इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुकी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक की, तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया टीम अप कर रहा है बाकी कंट्रीज़ के साथ, इसकी क्वाड एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, तो ये करंट सिचुएशन है चाइना की। अब बात करते हैं इंडिया और चाइना के बीच में कौन कौन से कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला इशू यहाँ पे अगर हम बात करते हैं वो यहाँ पे कि एशिया की जो सिक्योरिटी है, जब भी हम बात करते हैं यूजुअली बोलते हैं कि इंडिया और चाइना जो है यहाँ पे उसे प्रमोट करेगा, लेकिन ऑब्वियसली बात है दोनों के ही बीच में काफ़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, तो वो इस टाइम पे भी सामने आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं चाइना पाकिस्तान का एक्सेस, क्योंकि आपको पता है कि चाइना काफ़ी ज़्यादा फंड करता है पाकिस्तान को और बेसिकली एक ऑल वेदर फ्रेंड की तरह काम करता है पाकिस्तान के लिए, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया को पसंद नहीं आएगा और बहुत बार जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा भी। उसके अलावा डोकलाम और बाकी जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ है उसमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी रही है।
एक और दलाई लामा का भी इश्यू, क्योंकि हमने दलाई लामा जी को शरण दी है इंडिया में, तो ये बात ऑब्वियसली बात है चाइना को पसंद नहीं आता है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हमने काफ़ी सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करने का प्लान किया है, जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे छांगटांग प्रहार, उसके अलावा यहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड जो कि विजयनगर में अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पे हम मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी लैंड करवाने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे मेजर कॉम्बैट एक्सरसाइजिंग होगी अरुणाचल प्रदेश में बाय द न्यू इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप। तो यही जो हम यहाँ पे बॉर्डर के आसपास जो यहाँ पे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो इससे शायद चाइना खुश नहीं होगा। एक जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया चांगथांग प्रहार, ये बेसिकली एक ऑल आर्म इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज है, एक असॉल्ट एक्सरसाइज। तो ये बेसिकली जो है सुपर हाई ऑल्टीट्यूड में किया जाएगा टूवर्ड्स द ईस्टर्न लद्दाख। तो यहाँ पे हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपने आर्टिलरी गन्स को, ड्रोन्स को, हेलीकॉप्टर्स को और ट्रूप्स को। तो क्योंकि हम बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है चाइना थोड़ा सा यहाँ पे जो है झिझकेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो सेकेंड इनफॉर्मल समिट हो रही है ममल्लापुरम में, इससे क्या क्या आउटकम्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पहला तो ये कि हम सब समझते हैं कि वुहान समिट के बाद सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है इंडिया और चाइना के बीच में, तो ऑब्वियसली बात है हम छोटे मोटे यहाँ पे जो है स्टेप ज़रूर ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक और हमें ये समझनी है कि किस तरीके से चाइना और जो पाकिस्तान का रिलेशन है वो यहाँ पे बीच में आता ही रहेगा। और उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अभी हम एफर्ट्स क्या कर सकते हैं, कि हम बाकी कंट्रीज के साथ ऑब्वियसली टीम अप कर सकते हैं ताकि हम चाइना को काउंटर कर सकें ऑन वेरियस फोरम। अब यहाँ पे वे फॉरवर्ड में यही बताया जा रहा है कि व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ इन अ होल स्टॉप डिगिंग। तो अगर आपको पता है कि आप होल के अंदर घुसते जा रहे हैं, गड्ढे में गिर रहे हैं, तो सबसे पहले तो गड्ढा खोदना बंद करना जरूरी है। इसीलिए बोला जा रहा है कि डायलॉग करना काफी इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फ्रेमवर्क, जिसके अंतर्गत यहाँ पे हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करेंगे, इकोनॉमी की बात करेंगे, वो सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यही है कि ममल्लापुरम जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों सिंबॉलिक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आप देख लीजिए कि ये बेसिकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और इंडिया के सॉफ्ट पावर को भी सिंबल करता है। अगर हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की, तो यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी हुआ करता था। पल्लवा का जो किंग है उसका एक बार इस्तेमाल किया गया था चाइनीज के द्वारा जब वो तिब्बत को काउंटर करना चाहते थे, तो ये बेसिकली उसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, चेंजिंग जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रिक्वायर्स इंडिया टू कॉशियसली कैलिब्रेट इट्स फॉरेन पॉलिसी विद रिस्पेक्ट टू चाइना डिस्कस। तो पूछा जा रहा है कि जो जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो इस वक्त चेंज होता हुआ नजर आया है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं वुहान समिट के बाद, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से चेंज कर सकता है चाइना के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नेम द टेली एजुकेशन प्रोजेक्ट लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर ऑल द 54 अफ्रीकन कंट्रीज इन न्यू दिल्ली ऑन द ओकेशन ऑफ 55th एनिवर्सरी ऑफ ITEC, दैट इज इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इसके अंतर्गत जो यहाँ पे लॉन्च किया गया था टेली एजुकेशन, इसका नाम है बेसिकली ई विद्या भारती, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर इस पूरे प्रोग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे ई विद्या भारती जिसपे क्वेश्चन बना है, और दूसरा है ई आरोग्य भारती। तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे बेसिकली जो है अफ्रीका के साथ कनेक्ट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो हम जो रीच कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं अफ्रीका के लिए, तो उसके लिए दो प्रोजेक्ट के नाम आप याद रख सकते हैं। अगला एक और आर्टिकल फिर से इंडिया और चाइना के इस इनफॉर्मल समिट के बारे में ही आया हुआ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस तरीके से जो पावर इम्बैलेंस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो जरूरत यह है कि हमें अपने आप को फॉल्स होप्स ना देखते हुए उन चीज़ों पे यहाँ पे काम करना जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है इस टाइम पे। अब यहाँ पे कंटेक्स्ट मैं आपको फिर से बताना नहीं चाहता, आपको बताया मैंने पिछले स्लाइड्स में आपको बताया कि जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे विजिट करने वाले हैं, और ये जो इनफॉर्मल समिट है ये लास्ट ईयर वाले से काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन भी उतनी ज़्यादा यहाँ पे अलग है। उसी के साथ साथ यहाँ पे ट्रेड, कश्मीर, मल्टीलैटरल चैलेंजेस, उन सब पे डिस्कशन करने का सोचा हुआ है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कोई भी कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक डिस्कस नहीं करना जो है इंपॉर्टेंट रहेगा इस इनफॉर्मल समिट में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हिस्ट्री में जाके किस तरीके से इंडिया और चाइना ने जो है अपने रिलेशन को अच्छा करने की कोशिश की है, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया कि जब यहाँ पे प्रधानमंत्री राजीव गांधी हुआ करते थे, तब से जो है इन बेसिक डिफरेंसेस जो इंडिया और चाइना के बीच में थी, उन्हें यहाँ पे जो है समझने की कोशिश की गई थी। अब यहाँ पे इसके लिए बातचीत करना जो है 1988 में शुरू किया गया था फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे, उसके बाद उसे और एम्पावर किया स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, और उसके बाद जो है हम यहाँ पे अब इनफॉर्मल समिट्स कर रहे हैं। तो जो बायलैटरल टॉक्स है उसे जो हम यहाँ पे धीरे धीरे अपग्रेड किया है, लेकिन ऑब्वियसली बात है इनमें से किसी भी
ये बेसिकली प्लेटफॉर्म पे बात करने के बावजूद जो है हमने अभी भी बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व नहीं किए, ट्रेड डेफिसिट अभी भी एग्जिस्ट करता है और अभी भी चाइना जो है पाकिस्तान को ही सपोर्ट करता है व्हेन इट कम्स टू इंडिया के साथ जब भी होती है प्रॉब्लम। तो इसी वजह से जो है यही बताया जा रहा है कि भले ही हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बातें कर रहे हैं लेकिन उसका जो आउटपुट है, जो वर्डिक्ट है, वो इंडिया के जो है यहाँ पे फेवर में नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि एक मिथ हमेशा ये रहता है कि अगर आप बात नहीं करें तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त हम लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा बात कर रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, कभी ब्रिक्स की मीटिंग में कर लेंगे, कभी यहाँ पे अगर मान लीजिए एसईओ की मीटिंग में कर रहे हैं, यहाँ पे यूंगा की मीटिंग में कर रहे हैं, तो इतनी बार जो हम यहाँ पे इंटरेक्शन कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद जो है हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो मिथ है कि आप जितनी बार मीट करेंगे, कितनी बार बातें करेंगे उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो वो एक कंप्लीट एक मिथ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 21st सेंचुरी में जो है आपने देखा होगा कि कितनी सारी मीटिंग्स होती हैं। ईएस होता है जिसकी ईस्ट एशिया समिट है, उसके अलावा शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, सीका की मीटिंग है, G20 की मीटिंग है, इन सारे ओकेशंस पे जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर जो है एक दूसरे से काफ़ी आसानी से मिल पाते हैं। तो जो इनिशियल प्रॉब्लम्स पिछले सालों में देखने को मिली थी पिछले सेंचुरी में, वो अब यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। अब यहाँ पे उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंडिया और चाइना दोनों के बीच में जो है काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। दोनों ही बेसिकली इंडिया एशिया के बहुत बड़े जाइंट्स है, लेकिन अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक टर्म्स पे और बाकी सब चीज़ों पे, तो चाइना की जीडीपी समवेयर अराउंड $14 ट्रिलियन है जबकि इंडिया के सिर्फ $2.8 ट्रिलियन है। उसी के तरीके से अगर आप देखेंगे चाइनीज का जो यहाँ पे डिफेंस स्पेंडिंग है वो ऑलमोस्ट $250 बिलियन है जो कि 4 times लार्जर है इंडिया का। तो स्ट्रक्चरली हम लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। और उसी के साथ एक और आप एसेंस समझेंगे कि चाइना को कभी जो है इंडिया को प्लीज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनका कोई फायदा ठीक से नजर आता नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें अपना प्रोडक्ट्स कहीं बेचना भी है वो कहीं और मार्केट ढूंढ लेंगे। इसी वजह से उनको कभी इंडिया को फेवर करने के लिए या फिर उन्हें प्लीज करने के लिए जो है कोई स्टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसीलिए काफी आसानी से जो है हमें आप ब्लॉकेट लगा देते हैं एनएसजी पे या फिर कश्मीर के इशू पे, अपोज कर देता है इंडिया को काफी आसानी से, क्योंकि उनको पता है कि उनको लूज करने के लिए कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं। तो इसी वजह से जो है काफी आसानी से वो इंडिया पे सपोर्ट नहीं करते हैं यूजुअली हर सिचुएशन में। उसके अलावा कौन कौन सी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, अब यहाँ पे बात करते हैं यूएस और चाइना के रिलेशन जो है ये कहीं ना कहीं इंडिया पे भी हिट करने वाले हैं, क्योंकि पहले एक्सपेक्टेड था कि जो यहाँ पे ट्रेड वॉर चल रहा है इसमें ये हो सकता है कि अब जो है इंडिया चाइना के रिलेशन अच्छे हो सकते हैं, मतलब जो गुड्स वो यूएस को बेचता था अब शायद वो इंडिया को बेचना शुरू कर देगा कम प्राइसेस पे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। डेटा ने यही बताया कि ये पूरे ट्रेड वॉर में जो है इंडिया को कुछ खास फायदा हुआ नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि काफ़ी सारे बायलैटरल इश्यूज हैं यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर से रिलेटेड, वो भी अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि जो डिट्रॉइटिंग कंडीशंस है उसके लिए हमें एक नए यहाँ पे जो है पर्सपेक्टिव से सोचने की जरूरत है। अब उसी को यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि इस टाइम पे थिंक स्मॉल, मतलब यहाँ पे छोटा छोटा या इंक्रीमेंटल स्टेप्स लेना जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बाउंड्री डिस्प्यूट, ट्रेड डेफिशिट और यहाँ पे जो डेवलपमेंट रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के यहाँ पे स्कोप में रखते हुए जो है स्मॉलर चेंजेस यहाँ पे या फिर स्मॉलर स्टेप्स अगर हम लेते हैं तो उससे जो यहाँ पे इंडिया और चाइना के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो यहाँ पे अच्छे हो सकते हैं। अगला करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स 2019 ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, सिंगापुर और यूएस। तो टॉप भी इसलिए सिंगापुर ने यहाँ पे किया है। अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो पिछले साल की जो रैंकिंग थी उससे 10 रैंक जो है हमें अब 10 प्लेसेस नीचे हम यहाँ पे आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं इंडिया विद इन द ब्रिक्स कंट्री तो उसमें जो है हम लोग नीचे हैं, लेकिन हमसे नीचे सिर्फ एक ब्राज़ील है जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 में कौन कौन आता है इस पूरे इंडेक्स में, सिंगापुर है, फॉलोड बाय यूएस, फिर हांगकांग, फिर नीदरलैंड। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव जो इंडेक्स है इसमें 140 नेशंस को रैंक किया गया है, 12 पिलर्स हैं, उन पिलर्स के नाम आप देख सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, ICT है, अडॉप्शन है, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, हेल्थ स्किल्स, ये सारी चीज़ों को जो है मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर रैंकिंग दी गई है। अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसने ये रिपोर्ट रिलीज की है तो उसके बारे में थोड़ा आप जान लीजिए कि एक स्विस नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, 1971 में एस्टैब्लिश किया गया है, हेडक्वार्टर आपको नजर आएगा जेनीवा में जो कि है स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, एग्जाम में आ सकता है, देख लीजिए, ग्लोबल IT रिपोर्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है और ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, मैज ऑफ फॉलोइंग में आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं। अगला आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ है प्राइवेसी राइट्स और क्या रॉन्ग हो सकता है। अब आपको पता है कि हमने ये आर्टिकल एक्सप्लेन पेज में डिस्कस किया हुआ था कि ये जो ओवर द टॉप सर्विसेज है तो क्या उसको रेगुलेट हम कर सकते हैं, क्या उनसे डेटा लिया जा सकता है, गवर्नमेंट को दिया जा सकता है, क्या टेक्निकली फीजिबल है या नहीं है और क्या कॉस्ट इस पर प्राइवेसी पर लगने वाला है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं।
तो कंटेक्स्ट ये है कि एक साल पहले जो है ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसने अपना काम शुरू किया था, जहाँ पे जो है कि ये फिगर आउट कर रहा था किस तरीके से ये जो ओवर द टॉप सर्विसेज है जैसे कि व्हाट्सएप टेलीग्राम जो है इनका लॉफुल तरीके से इंटरसेप्शन किया जा सके। लॉफुल इंटरसेप्शन का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट जानना चाहता है किसी भी एक पर्सन के व्हाट्सएप में क्या मैसेजेस जा रहे हैं, उसने क्या एक्टिविटीज की है, तो वो जो है यहाँ पे इन सर्विसेज से यहाँ पे आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। इसके लिए यहाँ पे एक्ट भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन अभी जो है ऐसी ओवर द टॉप सर्विसेज के लिए वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं किसी और माध्यम से अगर अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो जो है उसके अंदर आ जाता है। अब बात करते हैं ये जो रिकमेंडेशन से बेसिकली DOT को देने वाला है यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को, अभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, अभी भी डिस्कशन फेज में है, होगा या नहीं होगा डिपेंड करेगा, फ्यूचर में पता चल जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसका पूरा कोर ऑब्जेक्टिव क्यों है, क्यों ये टॉपिक इस वक्त आया है, इसका कोर ऑब्जेक्टिव पब्लिक सिक्योरिटी, मतलब बहुत सारे क्रिमिनल्स और टेररिस्ट जो है यहाँ पे ये व्हाट्सएप टेलीग्राम में जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है उसका फायदा उठा के जो है ऑफ द रडार चले जाते हैं, मतलब गवर्नमेंट इनको ट्रैक नहीं कर सकती है। तो इसी वजह से जो है ये प्रॉब्लम आ गई है, और अभी जो है गवर्नमेंट चाहता है कि वो लॉफुल इंटरसेप्शन करके जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम से भी डेटा ले सके जब भी उनको जरूरत पड़े या फिर नेशनल सिक्योरिटी का कोई कंसर्न आ जाए। तो अब यहाँ पे इससे पहले भी बहुत बार कोशिश की जा चुकी है, सोशल मीडिया हब बनाने की बात की जा रही थी लेकिन वो जो आइडिया वो ड्रॉप कर दिया गया था। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जो चैनल्स हैं जो आपको बेसिकली इंटरटेनमेंट के प्रोवाइड करते हैं तो उनको भी जो एक सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है पूरा कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है जो नेशनल कंसर्न्स है उनको यहाँ पे हैंडल किया जा सके। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या टेक्नोलॉजिकली ये फिजिबल है कि वो जो है आपको ये डेटा प्रोवाइड कर सके, इंटरसेप्शन पॉसिबल है या नहीं है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस आर्टिकल की माने तो ये जो एंड टू एंड एनक्रिप्शन का जो पूरा मेथड है ये बिटवीन जो है दो जो लोग बात करें सिर्फ उन्हीं के बीच में हो सकता है, और जो कीस इनकी है ये बेसिकली किसी इवन जो सर्विस प्रोवाइडर्स है जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप इनके पास भी नहीं होता है। तो ये बेसिकली बताया जा रहा है कि ज़्यादा आप ये बता सकते हैं कि कितना फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो मेटा डेटा में सिर्फ यही चीज़ होगी, उसके अलावा कुछ भी यहाँ पे जो स्टोर नहीं किया जाता इन सर्विस कंपनीज के द्वारा भी, तो वही चीज़ को बताया गया है। अब कंक्लूजन में ये बताया जा रहा है कि ऑब्वियसली बात है क्राइम टेररिज्म और जो यहाँ पे बाकी मिसयूज हो रहे हैं ये इन सारे सर्विसेज के माध्यम से हो सकता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड वाइड सब लोग यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे प्रेशराइज कर रहे हैं ऐसी सर्विस कंपनीज को कि ये कोई ना कोई लॉ बनाए या फिर मान लीजिए ये डेटा जो है इसे शेयर करना शुरू करे। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक भी है, अगर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है ब्लैकबेरी का, तो एक केस ऐसा हुआ था जहाँ पे जो है क्रिमिनल के ब्लैकबेरी का जो डेटा है उसको रिलीज करने की बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा और वो रिलीज कर दी गई थी। उसके बाद से ब्लैकबेरी पे सवाल उठ गया कि क्या इसमें कोई प्राइवेसी कंसर्न है या नहीं, आपको जो डेटा वो यहाँ पे सेफ है नहीं, अगर कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो गवर्नमेंट जो है ब्लैकबेरी से आसानी से डेटा ले सकता है क्योंकि उसने पहले भी लिया हुआ है, तो ये प्रॉब्लम हो गई थी। अब ये प्रॉब्लम जो है बाकी लोगों को भी फेस करनी पड़ेगी अगर जो है गवर्नमेंट को काफ़ी आसानी से ये सारी सर्विस कंपनी जो है डेटा देने लग गई तो। और इसका एक और प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपको पता होगा कि एक प्रोजेक्ट प्रिज्म था तो उसके अंतर्गत जो है NSA मास सर्वेलेंस करा था अपने ही सिटीजन्स का, तो ये काफी कॉमन हो जाएगा अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि जितने भी कंपनीज है जो जिनकी सर्विसेज आप यूज करें अगर वो डेटा काफी आसानी से गवर्नमेंट को देना शुरू कर दे आउट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो कहीं ना कहीं ऐसी मास सर्वेलेंस जो है यहाँ पे सिटीजन की होने लग जाएगी। अगला आर्टिकल यहाँ पे SC ST एक्ट से रिलेटेड है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टिव अप्रोच हमें चाहिए यहाँ पे जब भी हम दलित की बात कर रहे हैं, ना कि जो अभी हम अप्रोच यूज करें जहाँ पे काफी डिस्प्यूट देखने को मिलता है, काफी हेट क्राइम देखने को मिलता है, तो ऐसी जो यहाँ पे अप्रोच है उसे अवॉइड करने की जरूरत है। कंटेक्स्ट थोड़ा सा आप समझ लीजिए, पिछले साल जो है मार्च के महीने में यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट जो है इसको थोड़ा सा जो है डाइल्यूट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब उस टाइम पे प्रॉब्लम ये हुआ था कि जो पूरा केस चल रहा था उसमें ये लग रहा था कि जो दलित कम्युनिटी को लोग बिलोंग करते हैं वो जो इस एक्ट का जो है मिसयूज कर सकते हैं और जो लोग इनोसेंट है उनके खिलाफ भी जो है इस एक्ट के अंदर कंप्लेन करने लगेंगे। अब उन इनोसेंट लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है यहाँ पे एंटिसिपेटरी बिल लाने की बात की गई थी और जो ऑटोमेटिक अरेस्ट पहले होता था उसको जो है बार कर दिया गया, अब ऑटोमेटिक अरेस्ट नहीं होता है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है तो आपको प्रोसिक्यूट करने से पहले जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी से, तो ये जो है पिछले साल यहाँ पे रिकमेंड किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसी डिसीजन को रिव्यू किया और रिवर्ट कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है पहले क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली उसे रिवर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उनको ये समझ में आया है कि अभी भी जो असली लॉ बनाया गया था वो इसलिए था कि जो SC ST कम्युनिटी को जो बिलोंग करते हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया इसके। और अगर हम बात करते हैं डेटा की,
तो एनसीआरबी के हिसाब से अभी भी 66% इंक्रीज देखने को मिला है अबाउट एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल कम्युनिटीज, मतलब जो कोर इश्यू है उसे तो हम अभी सॉल्व कर नहीं पाए हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम डीपॉलिटाइज कर सके दलित के इशू को और फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे सोशल जस्टिस के हिसाब से हर किसी को एक ही प्लेटफॉर्म पर लेकर आए। लेकिन अभी जो है ना सिर्फ हम बात करें अनटचेबिलिटी की और बाकी सब चीज़ों की, इवन हम बात करें कि किस तरीके से इनका पार्टिसिपेशन लेवल जो है हायर फोरम्स में दिखाई दे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाते हैं यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी में, तो टॉप ब्यूरोक्रेट्स में जो है यहाँ पे इनका पार्टिसिपेशन और इनका जो यहाँ पे वेटेज जो काफ़ी कम है। उसी तरीके से वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, एकेडमिशियन, एडिटर्स ऑफ मीडिया, सीनियर ऑफिसर्स, इनमें जो इनकी तादाद है वो इस वक्त काफ़ी कम है। तो इनकी रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना जो है एक अच्छा तरीका है, एक नया पर्सपेक्टिव है, वही चीज़ को बेसिकली इस आर्टिकल में रिकमेंड किया गया है। अगला आर्टिकल यहाँ पे बताया जा रहा है द प्रिविलेज ऑफ वेल्थ, मतलब जिन लोगों के पास काफ़ी पैसा है दे कैन एक्चुअली मेक अ सस्टेनेबल डिफरेंस, तो वही चीज़ यहाँ पे रिकमेंड की गई है। तो ऐसे में थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बताया जा रहा है किस तरीके से जो है, अगर मान लीजिए आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी बिलीव करते थे कि उसमें से एक हिस्सा आप अपने पास रख सकते हैं जो आपको जो है एक ऑनरेबल लाइवलीहुड दे सकता है, मतलब जितनी आपको ज़रूरत है आप उन पैसों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जो बाकी है वो आप ज़रूर जो है वेलफेयर फॉर द कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल कीजिए, मतलब जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उसके वेलफेयर के लिए जो है उस पैसों को लगा सकते हैं। अब ये जो आइडिया है इनका, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो यहाँ पे झलकती है। सबसे पहले ये कि हमारी कंट्री में जो है वेल्थ इनइक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये अनएक्सेप्टेबल लेकिन कोई इलिजिबल बात नहीं है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा अगर यहाँ पे वेल्थ का ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है लोगों के द्वारा, तो ऑब्वियसली बात है सोसाइटी का ही बेटरमेंट होगा, उसी के साथ जो है लोगों का भी बेटरमेंट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे और क्या चीज़ें होंगी, इससे जो है ह्यूमन नेचर पर लोगों का जो फेथ है वो और इम्प्रूव होगा। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पे आर्टिकल में बताया गया है, वो है मॉरल लीडरशिप। इसमें यहाँ पे बताया जाए कि अगर आप के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि जो है सोसाइटी में हेल्प हो, जिनको यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा उनको खाना मिलना शुरू हो जाए, अगर इस तरीके से अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम मिलेगी, लेकिन अगर आपका एम है कि आप जो सोसाइटी को थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये जो रिलेंटलेस और जो अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्स्यूट ऑफ ट्रूथ है ये आपको फॉलो करना होगा, और ये एक मॉरल लीडरशिप की जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो मीन्स आप इस्तेमाल करें, जिस तरीके से आप अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल दिया जा रहा है कि जब यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात की गई थी और जब चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद उसे कम्प्लीटली रोक दिया गया था, क्योंकि जो मीन्स इस्तेमाल किया गया, जो वॉयलेंस था वो काफ़ी गलत था, जो कि महात्मा गांधी जी के हिसाब से जो मीन्स है वो भी उतना ही ज़्यादा नोवल होना चाहिए जितना एंड है। उसी तरीके से बताया जा रहा है कि किस तरीके से एम्पथी और ह्यूमननेस जो है ये मॉरल लीडरशिप में आपको नजर आएगा। यहाँ पे हम ह्यूमननेस की बात कर रहे हैं, वो ना सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स की तरफ कर रहे हैं, इवन एनिमल्स और नेचर की। और यहाँ पे एक कोट है काफ़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप कोई भी लॉ बनाते हैं या फिर अगर आप कोई स्टेप ले रहे हैं, तो उस स्टेप को लेने से पहले दो बार सोचिए, क्या आप एक ऐसे पुअर आदमी या फिर वीकेस्ट मैन ऑन दी अर्थ जो है उसको इमेजिन कीजिए, ये सोचिए क्या आप जो स्टेप लेने वाले हैं क्या उससे उसकी लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, क्या उसको इसलिए स्वराज मिलेगा हंगरी और स्पिरिचुअल स्टार्विंग से। तो अगर वो इस चेंज को कर सकता है तो आप जो स्टेप सोच रहे हैं उसे ज़रूर कीजिए। तो बेसिकली फंडा ये है कि आप जो भी स्टेप ले रहे हैं, अगर आप काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, आप काफ़ी स्ट्रांग है, मान लीजिए आपके पास पैसे काफ़ी ज़्यादा है, तो आप जो किस तरीके से उसको सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि किसी एक बंदे का भला हो सके। अगला आर्टिकल यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड है। पूरे आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि रिसेंटली इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स, इनिशिएटिव्स, एपेक्स बॉडी बना रखी है एआई के लिए, लेकिन जब तक वो यूनाइट होकर एक सिनर्जी में काम नहीं करेंगे हमें ज़्यादा कुछ आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। अब आर्टिकल से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ये जो पूरी टेक्नोलॉजी है इसका एम ये है कि जो डिसीजन इस वक्त ह्यूमन बीइंग्स लेते हैं वो सेम डिसीजन जो है अब यहाँ पे मशीन ले सके। अब मशीन कैसे ले पाएगा, जब हम उस सिस्टम को यहाँ पे जो है उसमें डेटा फीड करेंगे और वो जो डेटा से वो खुद लर्न करना शुरू करेगा ताकि वो जो है यहाँ पे पैटर्न्स को समझ सके और ह्यूमन लाइक जो है डिसीजन ले सके। तो यही बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी है कि वो आप हम सबसे पहले उसे ट्रेन कर रहे हैं डेटा को फीड करके ताकि वो इंटेलिजेंट ह्यूमन की तरह जो है यहाँ पे डिसीजन ले सके। अब इसके फायदे क्या हैं, एआई की टेक्नोलॉजी हम यहाँ पे क्राइम को एनालाइज करने में और जो पैटर्न नजर आता है उसमें यूज़ कर सकते हैं,
फेस रिकॉग्निशन, उन सब चीज़ों में जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा एग्रीकल्चर में किस तरीके से वाटर और क्रॉपिंग पैटर्न होना चाहिए बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा और अभी हम क्या कर रहे हैं उसके हिसाब से भी डिसीजन लिए जा सकते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जहाँ पर भी यूटिलाइजेशन रिसोर्स इन्वॉल्व होता है, बिजनेसिस में यूज़ करते हैं AI, फिर उसी तरीके से मोबाइल डिवाइसेस, वेदर प्रेडिक्शन, ये सारी चीज़ों में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि हमें $5 मिलियन की जो यहाँ पे इकोनॉमी बनना है, अब उसमें जो है AI का जो हमारा पाथ है, जो स्ट्रैटेजी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने रिसेंटली AI से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल डिस्कस किए होंगे तो उसमें हमने देखा होगा कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होगा, उसके साथ साथ DIPP की बॉडी होगी, नीति आयोग, ये इन सब लोगों ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाई हुई है और ये अलग अलग प्रोग्राम के अंदर जो है बजट भी अलोकेट करते हैं। कुछ एग्जांपल दिए हैं, नीति आयोग 7,500 करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है CRE में, यानी कि सेंटर फॉर रिजर्व एक्सीलेंस। उसी तरीके से यहाँ पे जो है एक और बॉडी सेटअप हो रही है जो है सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन AI। उसी तरीके से यहाँ पे नेशनल AI मिशन भी यहाँ पे लॉन्च होने वाला है, उसके लिए अलग से बजट है। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के अंदर जो है यहाँ पे एक और बॉडी बनाने की बात की जा रही है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हर यहाँ पे जो है प्लेटफॉर्म पे अलग अलग बॉडी बनाई जा रही है और हर कोई अपेक्स बॉडी है। अब प्रॉब्लम ये है कि टू मेनी कुक्स जो है, अगर ये लोग सिनर्जी में काम नहीं करेंगे तो हम साइलोस में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट कर रहे होंगे, लेकिन क्या इससे इंडिया को फायदा होगा नहीं होगा तो वो एक प्रॉब्लम रहने वाला है। और एक और रीज़न है कि हम लोग साइलोस में इतने सारे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा एम है कि किस तरीके से हम बाकी कंट्रीज़ को जो है यहाँ पे उनके साथ लेवल अप कर सके AI टेक्नोलॉजी में, जो कि काफ़ी गलत अप्रोच है। इंस्टेड हमें देखना है किस तरीके से हम पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तीनों पे फोकस कर सकते हैं, इंस्टेड ये देखना कि किस तरीके से हम किसी और के साथ काउंटर कर रहे हैं। तो ये एक गलत स्ट्रैटेजी वही बताया गया है जो हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं। इंस्टेड हमें लोगों पर, प्रोसेस पर और टेक्नोलॉजी पर फोकस करना है। अगला जो आर्टिकल है यहाँ पे एक्सप्लेन पेज पे नोबेल प्राइज से आया हुआ है, तो ये जो नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए तो उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल में बताया जा रहा है, जिनको आप लेफ्ट साइड में फोटो में देख सकते हैं इनको 2018 का नोबेल दिया गया है, और जिनको आप राइट पे देख रहे हैं जिनका नाम है पीटर हैंडके, इनको 2019 का नोबेल प्राइज दिया गया लिटरेचर के लिए। अब दोनों ही अवार्ड इसी साल दिए गए क्योंकि पिछले साल थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, क्योंकि ये जो अवार्ड दिया जाता है स्वीडिश अकेडमी के द्वारा, तो एक जो शख्स है वो जो यहाँ पे उनके खिलाफ किसी रेप अक्यूजेशन था और वो किसी तरह का इस एकेडमी से रिलेटेड थे, तो इसी वजह से पिछले साल जो यहाँ पे नहीं दिया गया था पूरी स्कैंडल की वजह से, तो इस बार जो है दोनों ईयर के लिए एक साथ दिया गया है। आप यहाँ पे दोनों के बारे में डिटेल देख सकते हैं। जो यहाँ पे ओल्गा जी है तो ये बेसिकली पोलैंड को बिलोंग करती है, और यहाँ पे आप पीटर हैंडके के बारे में भी जान सकते हैं। अब ये जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी पिछले साल की वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के लिए। अगला आर्टिकल यहाँ पे RCEP के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड हमने एडिटोरियल पे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस किए हैं कि RCEP क्या है, इसके अंदर आसियान के 10 नेशन है, उसी के साथ साथ जो 6 पार्टनर कंट्रीज है वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि दिसंबर से पहले जो है यहाँ पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाए इन 16 कंट्रीज के बीच में। ऑब्वियसली बात है इंडिया यहाँ पे काफ़ी सारे इश्यूज पे अभी डिस्कशन करना चाहता है, उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ को यहाँ पे पिकअप किया गया है वो है मिल्क इंडस्ट्री। तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जो है अगर हम उसकी बात करते हैं तो इंडिया जो है एक मिल्क का काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करता है और हम उसे एक्सपोर्ट भी काफ़ी मात्रा में करते हैं। उसी का आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं, अगर हम मिल्क को एक ऐसा क्रॉप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्शन है वो अब यहाँ पे इस वक्त पैडी और वीट से भी ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है मिल्क इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑन डेली बेसिस हम इसे बेचते हैं और डेली बेसिस पे कैश भी जनरेट होता है, तो किसी भी फार्मर के लिए जो है मिल्क से जो आउटपुट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए हमने RCEP के अंदर इन बाकी 15 जो नेशन है उनके साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लिया तो तब क्या होगा, तो जितने बाकी कंट्रीज़ में जो यहाँ पे पावरफुल प्रोडक्शन है कर सकते हैं मिल्क में, तो हमें टफ कंपटीशन देंगे, और इन टफ कंपटीशन में जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम सबसे पहले आता है। इनके एक्सपोर्ट की वैल्यूज आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, उसी के साथ साथ जो बाकी डेयरी प्रोडक्ट्स है वो भी जो है काफ़ी मात्रा में प्रोड्यूस करते हैं, तो इंडिया को कंपटीशन मिल सकता है। इससे जो हमारे डोमेस्टिक जो यहाँ पे प्रोड्यूसर है उनको प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकती है। अगर हम बात करते हैं डेटा की तो इस वक्त जबकि कोई FTA साइन नहीं हुआ है तब आप देखेंगे कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट है कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। 2010 में समझ रहा हूँ 1,216 है, लेकिन 2018 से 19 का जो फिस्कल ईयर है उसमें 3,000 तक हम रीच गए, मतलब हम लोग जो है काफ़ी मात्रा में मिल्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ हम यहाँ पे सस्टेनेबल हो चुके हैं, हम लोग अपनी जो यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हम लोग और भी ज़्यादा जो यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम देखते हैं कि
जो एक्सपोर्ट हम इंपोर्ट हम करते हैं तो उसमें काफ़ी कमी नज़र आई है मिल्क प्रोडक्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी भी काफ़ी ज़्यादा देखेंगे मिल्क पाउडर में, और जो बटर फैट है उसमें जो है ड्यूटी 60 से 40% लगा रखी है। तो जब भी हम यहाँ पे मिल्क पाउडर इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इतनी ज़्यादा ड्यूटी लगती है, तो हमें डिस्करेज करता है इंपोर्ट करने से, तो इसी वजह से आप इंपोर्ट में भी रिडक्शन देख सकते हैं। अगले जो दो क्वेश्चन है जो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि बताइए एल साल्वाडोर की कैपिटल और करेंसी क्या है, और अगला क्वेश्चन है कि वो कौन सा स्टेट है विच इज सेट टू गेट इट्स 10th टाइगर रिजर्व नेम्ड एज रतापानी टाइगर रिजर्व, तो कौन से स्टेट में जो है ये टाइगर रिजर्व आने वाला है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।